आप देख रहे हैं सोशल वर्क वर्मा जी चैनल। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता चल ही गया है कि गर्मी का सीजन आ गया है और गर्मी के सीजन के आने के कारण हम लोग बहुत से काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि जो हम लोगों को मैसेज आ रहे हैं, आप लोगों को मैसेज आए होंगे कि अपने छतों पर चिड़ियाओं के लिए या कबूतर हो, मतलब जो भी पशु पक्षी हो, उन लोगों के लिए कुछ बकेट में पानी रखो, कुछ खाने के लिए रखो, ताकि हमारी जो चिड़ियों की प्रजाति हो, चाहे हमारे जो पशु पक्षी जो भी हो, उन लोगों की जो प्रजातियां हो वो लुप्त ना हो। तो वही मैंने मैसेज को पढ़ा। मैसेज को पढ़ने के बाद हमने सोचा कि चलो ठीक है, हम भी कुछ ऐसा करते हैं और कुछ समाज के लिए, कुछ अपने देश के लिए, अपने पशु पक्षियों के लिए कुछ तो किया जाए। तो मैंने वही किया और मैंने अपने छत पर, अपने घर के जस्ट बाहर, अपने बकेट में, एक छोटे से कटोरे में ऐसे करके पानी मैंने रखा। और रखने के बाद कुछ चिड़िया भी, तो मैंने रखा है तो कुछ चिड़िया भी धीरे धीरे आती हैं, लेकिन जो बाहर में बकेट रखा है उसमें जो भी पशु हैं वो पानी अच्छे से पीते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आज आपको दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ पे अपनी व्यवस्थाएं रखी हैं, कैसे मैं उसको रखा हूँ। और प्लीज़ दोस्तों आपसे भी निवेदन है कि आप लोग भी इस तरह कुछ करें, जो भी मैसेज हैं उसे फॉलो करें। चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि गर्मी पड़ रही है, आप लोग से निवेदन है कि जैसे हमने घर के बाहर ये बकेट में पानी रखा है, उसी तरह आप लोग भी घर के बाहर पानी रखें ताकि पशु पक्षी जो भी रहें पानी पिए और हमें पुण्य मिले, यही आपसे मैं आग्रह करता हूँ। जैसा कि दोस्तों मैं अभी अपने छत पे आ गया हूँ और जरा सा रात हो गया है, तो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये देखिए ये हमारी छत है और मैंने इस छत पे ये देखिए चिड़ियों को कैसे मैं व्यवस्था किया हूँ, कैसे कि वो पानी पिए, यहाँ पे बैठे। और अभी धीरे धीरे एक दो चिड़िया आने लगी हैं और देखिए आने वाले समय में और भी इस पे चिड़िया आएंगी। तो जैसे मैं दिखाता हूँ कि ये देखिए इसमें पानी है और दो मैंने पानियाँ इसमें दो बकेट रखे हैं, इसमें कुछ खाने के लिए मैंने रखा है और हल्के हल्के पानी देखिए पी भी रहे हैं और धूप भी है कि धूप के कारण से कुछ पानी उड़ भी जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग भी इस तरह की व्यवस्थाएं करें ताकि उन लोगों को काफ़ी आराम मिले, रिलीफ मिले। और अगर कोई मैसेज आता है तो जो मैसेज आता है उसे कम से कम फॉलो भी करना चाहिए। बस फॉरवर्ड करते रहो, फॉरवर्ड करते रहो, क्या मतलब है भाई फॉरवर्ड करने से। और हाँ दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपसे तहे दिल से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जो फालतू के मैसेज आते हैं बिना सोचे समझे कि इनको फॉरवर्ड करें तो आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, दूसरे ये सब बकवास है। बिना किसी जाने, बिना किसी सच जाने कोई भी मैसेज को उठा के किसी भी ग्रुप में, किसी को पर्सनल आप बिल्कुल मत भेजें, क्योंकि किसी भी चीज़ से आप अवगत जब तक से नहीं रहेंगे तब तक से आपको कोई मतलब नहीं निकलेगा, झूठ मूठ का आपका मजाक ही बनेगा। तो प्लीज़ दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मैसेज अच्छे मैसेज आए उसे आप फॉलो करें और जो फालतू मैसेज आए उसे इग्नोर करें। और हमारे भारत में ये तो कल्चर है, चलते आता है कि कोई भी मैसेज आया तो बस उसको उठा के फॉरवर्ड कर दो, ये नहीं सोचना है कि वो वास्तविक सही है कि गलत है। चलिए दोस्तों मेरा बस कहना यही था और यही रहा मेरा छोटा सा एक बगीचा है छत का, और मैंने देखिए इसी तरह की व्यवस्थाएं की हैं ताकि जो भी पशु पक्षी चिड़िया रहें वो आकर खाएं पिएं और दुआएं दें। बस दुआओं में हमें याद रखना। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। अब प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी तरह मैं अच्छे अच्छे वीडियो, इसी तरह मैं समाज सेवा से रिलेटेड वीडियो और जो भी हल्का फुल्का जो टेक्नोलॉजी न्यू आती है उससे मैं आपको अवगत कराते हुए मैं हर चीज़ आपको बताऊंगा। ओके दोस्तों, बाय बाय।